अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत ने 30 अप्रैल तक लॉकडाउन में तुसी की है, लेकिन साथ कुछ नरमियां भी हैं। इमरान खान ने आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसके अंदर उन्होंने कहा कि जो इब्तदाई तौर पर अंदाजे थे कि ये ट्रेंड बनेगा और यहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान होंगे, उतना नहीं होगा। तो आज हमने प्रोग्राम कुछ इस तरीके से तरतीब दिया है कि ये जानने की कोशिश करें कि इब्तदाई जो हमने नतज निकाले थे कि 24 अप्रैल तक 50,000 बंदा बीमार हो जाएगा, ये सूरत हाल होगी, इतनी हमें तैयारी करनी है, उसमें क्या तब्दीलियाँ भाई, यहाँ से आगे हमने कैसे बढ़ना है, क्या इंतजाम हमने किए जिससे इसको रोकने में मदद मिली और उसकी बुनियाद के ऊपर फ्यूचर की प्लानिंग क्या है, ये ओवरऑल लुबे लबाब रहेगा। हमारे साथ एक्सपर्ट्स हैं इस फील्ड के। और मैं आपको एक बैकग्राउंड बताऊं, जब हम ये मुख्तलिफ प्रोग्राम कर रहे थे तो हमने डॉक्टर अताउर रहमान को भी लिया, डॉक्टर ताहिर शमसी को भी लिया, तो दो लोग जिनकी तारीफ डॉक्टर ताहिर शमसी, क्योंकि इस पर बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व थे, उन्होंने हमें बैकग्राउंड में भी की। एक का नाम था डॉक्टर फैसल सुल्तान, शायद आप इस इशू के ऊपर उनसे पहले बात बहुत ज़्यादा सुनने का मौका ना मिला, और दूसरे डॉक्टर यास्मीन राशिद। उन्होंने दोनों को शाबाशी देते हुए कहा कि इनकी वजह से थोड़े मामले होने शुरू हो गए, काबू आने शुरू हो गए। तो आज हमने इकट्ठा किया उनको दोनों को इस प्रोग्राम में, और साथ डॉक्टर तारिक फजल चौधरी हैं PMLN से, सबको मैं खुशामदीद कहूँगा। डॉक्टर फैसल सुल्तान आपको भी, और डॉक्टर यास्मीन राशिद आपको भी, और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी आपको भी। आपसे स्टार्ट करूँगा फैसल सुल्तान साहब, जो आज प्राइम मिनिस्टर के बयान के अंदर एक वो जुमला था कि यहाँ इब्तदाई तौर पर अब हमारे अंदाजे ये थे कि 190 अफराद अब तक इसका शिकार हो चुके होंगे, लेकिन अब उसमें कुछ तब्दीली आ गई, 30% कम नुकसान हुआ है, कुछ उस पर रोशनी डालें, इब्तदाई तौर पर क्या नताइज थे? जी ऐसे ही, असल में ये जो सारे प्रोजेक्शंस या प्रेडिक्शंस हैं ना, ये मॉडलिंग पे बेस्ड है। मॉडलिंग से क्या मुराद है कि आप एक बीमारी को देखते हैं, उसके फैलाव के जो बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को और बाकी जो एपिडेमियोलॉजिक तौर तरीके हैं, रूल्स हैं, उनको एक जगह रख के एक अंदाज़ा किया जाता है कि ये बीमारी आगे कहाँ को जा रही है और कैसे जा रही है। उसके कुछ सेट से तरीके हैं। अब इसको दो मुख्तलिफ डायरेक्शन से मॉडल किया जा सकता है। एक वो हैं जो एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, जो डिज़ीज़ को स्टडी करते हैं और डिज़ीज़ की मॉडलिंग करते हैं, और उसमें हमारे पास कुछ मॉडलिंग थी, डॉक्टर असद हफीज़ और उनकी टीम ने कुछ की हुई थी। फिर कुछ लोग हैं जो डेटा साइंस से, यानी वो एपिडेमियोलॉजी तो खैर है एक साइड, लेकिन वो डेटा साइंस से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर्स के ज़रिए प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं सबका पैटर्न्स को देखते हुए। दोनों से जो प्रेडिक्शन थी वो कुछ एक जैसी थी, और इब्तदाई प्रेडिक्शन कुछ ऐसी थी कि अप्रैल के आखिर में, तकरीबन 25 अप्रैल के लगभग, मुमकिन है कि जो 50,000 के करीब जो हैं वो डिटेक्टेड केसेज हो सकते हैं। लेकिन जो लेटेस्ट ट्रेंड्स और प्रोजेक्शंस हैं उसके तहत जो प्रोजेक्शन है इस वक्त, उसमें कुछ कमी आई है। अब आपका अंदाज़ा क्या है कि 50,000 नहीं होगा तो कितना होगा? 10-12 हज़ार के करीब की इस वक्त एस्टिमेट्स हैं। अब अभी 6,000 के करीब है, 6 पूरा नहीं हुआ जी, तो नाउ यू एक्सपेक्ट बाय एंड ऑफ अप्रैल 10-12 हज़ार 10-15 की रेंज में हो सकता है। याद रखिए कि ये प्रेडिक्शंस हैं, ये डेटा को एक्सट्रैपोलेट करके कंप्यूटर मॉडल्स के ज़रिए या एपिडेमियोलॉजिक मॉडल्स के ज़रिए। लेकिन मैं फिर ये ताकीद कर दूं, वाजे कर दूं, क्या चीज़ है जिसने इसको 50,000 नहीं होने दिया? मेरे ख्याल से जी जो रिस्ट्रिक्शंस आयद की गई मूवमेंट पे और लॉकडाउन ने मदद की, मेरे ख्याल से इसमें मदद की जी, क्योंकि एक आपका जो डिस्टेंसिंग आ गई, लोगों का फ्रीक्वेंट कॉन्टैक्ट हुआ, तो पॉजिटिव केसेस का जब एक सेहतमंद आदमी से रब्ता कम हुआ है तो स्प्रेड कम हुई है। बिल्कुल जी, ऐसे ही है, एग्जैक्टली इसको मैं आई कुड नॉट हैव एक्सप्लेन्ड इट बेटर। बात यह है कि बीमारी फैलती है एक शख्स से दूसरे शख्स में, जब आपने शख्सी फासला डिस्टेंस क्रिएट कर दिया लोगों की, एक से दो के बजाय, लेट से एक शख्स ने 10 लोगों को मिलना था, उसके बजाय वो एक को या दो को मिला, तो जरासीम को उतना मौका नहीं मिलता एक से दूसरे में जंप करने का। तो ये वेल नोन फैक्ट है कि जब आप इस तरह के एक्शंस करें तो जो पर्सन टू पर्सन स्प्रेड करने वाली एपिडेमिक्स हैं, जैसे कि ये है, तो उनकी शिद्दत में कमी आनी शुरू हो जाती है। डॉक्टर यास्मीन, एक और जो तंकीद है वो ये है कि हमने उतने टेस्ट ही नहीं किए। मैं अभी प्रोग्राम शुरू कर रहा था तो अभी यहीं पर शिफा हॉस्पिटल से एक डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने मैसेज किया कि आप ये सवाल पूछें कि आप तो बड़े शहरों में टेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो छोटे जो कस्बे और शहर देहात हैं वहाँ तो आपने टेस्ट किए, तो आपके अंदाजे दुरुस्त कैसे हो सकते हैं? ये उनका लिखा हुआ सवाल मेरे पास आया, तो बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, आपको इसे एड्रेस करना चाहिए। मेरा ख्याल है सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि हम लोगों ने इनिशली व्हेन दिस वायरस केम इन, तो एक सर्टन SOPs डेवलप हुए। वो SOPs ये थे कि नंबर 1, एक तो आपको पता है जो हमारे ज़ायरीन आए बिस्मिल्लाह, तो वहाँ से शुरू हुई कि हम उन लोगों को, बिकॉज़ एक क्लस्टर था, और हमेशा ये बिलीव किया जाता है कि अगर आप टारगेट स्क्रीनिंग करें तो यू विल बी एबल टू पिक अप मोर पीपल,
और वो बात बिल्कुल सही निकली कि देखिए ना, अगर अब हम इस वक्त पंजाब का दो यानी 2800-2900 के करीब अगर नंबर पहुंच गए, तो एक बहुत बड़ा नंबर जो है वो ज़ायरीन और तबलीगी इज्तमा के, विच आर कोहॉर्ट्स जिनको कहते हैं हम, के जी दीज आर क्लस्टर्स, जिसमें से फिर हम ये देखते हैं कि जी किन शहरों के अंदर ज़्यादा ट्रेंड था। अब आप देखिए लाहौर के अंदर एक मुसलसल ट्रेंड है, इट इज़ इंक्रीजिंग एवरी डे, तो लाहौर इज़ अ हॉटस्पॉट। इसी तरीके से गुजरात एक हॉटस्पॉट है, फिर हमारे पास गुजरांवाला, फिर झेलम और लाहौर और गुजरात वगैरह, ये हॉटस्पॉट बने क्यों? जी अब यही मैं बताइए, बिकॉज बाहर से एक तो इन इलाकों के अंदर बहुत सारे एक्सपैट्रिएट्स आए, एक्सपैट्रिएट्स बिकॉज हमने को ने जो अभी टेस्टिंग की है इसके अंदर ये देखा गया है कि मेजॉरिटी आर पीपल हु हैव ट्रैवल हिस्ट्री, जिनको हमने टेस्ट किया, और मेजॉरिटी लोग ऐसे हैं जिनका कॉन्टैक्ट था जो लोग ट्रैवल करके आए। तो एक तो वो ग्रुप आ गया, यानी जिनकी ट्रैवलिंग के हमें पता था कि भाई दे हैव कम फ्रॉम आउटसाइड पाकिस्तान, इसलिए चांसेस ज़्यादा हैं कि इनके अंदर वायरस ना हो। फिर एक वो ग्रुप था जिसको हमने कहा कि जी लोकल स्प्रेड देखने के लिए। तो आपको पता है कि हमने तो लाहौर के अंदर पिछले एक हफ्ते से एक्सपो सेंटर के अंदर ट्रायज बनाया हुआ है, और मेयो के अंदर, ख़ास तौर पे लाहौर के अंदर, कि पेशेंट्स आएँ एंड पीपल हु थिंक कि दे हैव कोरोना वायरस। लेकिन डॉक्टर साहब आपने कोई रैंडम टेस्टिंग नहीं की? जी रैंडम की, मैं आपको बता रही हूँ, कोई हमने देखें इस वक्त 42,000 टेस्ट हैव बीन डन इन पंजाब टोटल। हाँ जी टोटल, और इन 42,000 टेस्ट में पिछले दिनों हमने रैंडम दो ग्रुप्स उठाए, एक तो ये सब्जी मंडी वगैरह में, क्योंकि वहाँ आपको पता भी कितने टेस्ट किया आपने? ये हम लोगों ने 150 टेस्ट किया था, वेरी स्मॉल सैंपल, लेकिन उसमें से पॉजिटिव कितने निकले? एक निकला 1 पॉजिटिव। तो मकसद ये था कि नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज, अब हम ये एडवांटेज, क्योंकि अब हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ गई है, आई थिंक द चीफ मिनिस्टर पंजाब नीड्स टू गिव क्रेडिट फॉर इट कि उन्होंने इतना वॉर फुटिंग। आप कितने पर डे टेस्ट कर सकते हैं? अब हम इस वक्त तो 2,500 से 3,000 कर रहे हैं, पर नेक्स्ट ये अगले हफ्ते में वी विल गो अप टू 5,000 पर डे इंशाल्लाह। 12 करोड़ की बात है जी? नहीं पंजाब पंजाब में नहीं, 5,000 पर डे, एंड वी विल कंटिन्यू इंक्रीजिंग इट टू मोर देन 10,000 पर डे, बिकॉज हमारी कैपेसिटी अब बढ़ गई है। जब आपके 8 नए लैब बन जाएं, असल में मसला क्या होता है, यू सी व्हेन यू गेट अ सैंपल, आपने इसमें से एक्सट्रैक्ट करना होता है आरएनए, फिर एक्सट्रैक्ट करने के बाद टेस्ट करते हैं, फिर आप कई दफ़ा टीस टेस्ट को रीरन भी करते हैं, तो इट टेक्स अ लिटल टाइम, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कैपेसिटी अब इस वक्त हमारी बहुत अच्छी हो गई है। और बहुत मैं ये टेस्ट वाले इशू पे डॉक्टर फैसल आपकी तरफ भी आऊँगा, पहले तारिक फजल साहब से पूछ लूँ, ये कोई काम दुरुस्त तरीके से आप समझते हैं हुकूमत कर रही है, या इनकी इसलाह के लिए आपको कुछ तजावीज़ देंगे इन्हें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि हमने जिस अमराद अपोजिशन है उन्होंने शुरू से ये कोशिश की है कि इस इशू के ऊपर, क्योंकि ये वबा सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, एक आलमी वबा है, इस पर किसी तरह की कोई मनफी रद्द अमल या मनफी सियासत ना की जाए, बल्कि हत्तुल इम्कान काबिल अमल और वो प्रैक्टिकल सजेशन जैसे आप कह सकते हैं वो दी जाएँ, और वो जो सिलसिला जारी है उसके साथ साथ जो अपने तय अपोजिशन कर सकती है, लीडर ऑफ अपोजिशन आपने देखा जो कर सकते हैं वो भी हम कर रहे हैं फील्ड में। जो चंद बातें जिन पर भी बहस हुई है, मैं मुख्तसर यार करूँगा कि लॉकडाउन ने, आपने सवाल किया था, लॉकडाउन ने बिल्कुल मदद की है, और बिल्कुल ये बात पाकिस्तान के अंदर अप्रिशिएबल है कि वक्त पर लॉकडाउन हुआ है, और उससे चूँकि वायरस, जैसे कि पहले भी बात हुई थी, ये एक जिंदा चीज़ तो है नहीं, इसे कोई ना कोई एक बॉडी चाहिए होती है सर्वाइव करने के लिए, और वो ह्यूमन टू ह्यूमन जो कॉन्टैक्ट है इसे सबसे ज़्यादा फैलता है, बल्कि दिस इज़ द ओनली सोर्स ऑफ स्प्रेड। तो इसने बड़ा मौसर किरदार अदा किया है। बाकी जहाँ तक ताल्लुक है जी टेस्टिंग का, यकीनन जो शरा पूरी दुनिया के अंदर टेस्टिंग की है, पाकिस्तान उससे बहुत पीछे है, इस लिहाज से हमारी टेस्टिंग कम है, हमारे केसेज कम अभी तक सामने आए हैं, लेकिन अगर ये कहा जाए कि केसेज इस वक्त तक मख्फी हैं और वो सामने नहीं आ रही है, तादाद बहुत ज़्यादा है। मिसाल के तौर पे डॉक्टर साहब ने बात की जी कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद 50,000 केसेस हो सकता है 50,000 केसेस हों, मैं मफरूज़े की बुनियाद पे बात कर रहा हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का करम है कि जो हमारी शरह अमवात है वो भी बहुत कम है। इसका मतलब है कि 50,000 वाली फिगर वो एग्जिस्ट नहीं कर रही, बेशक टेस्ट नहीं भी हो रहे, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान में अल्लाह का खास करम है कि हमारे केसेस भी कम है, हमारी शरह अमवात भी बहुत कम है। देखिए, मैं आज मसलन बारागाव के दोस्तों से बात कर रहा था, हमारा बहुत बड़ा यहाँ पे एक रीजनल मरकज़ है, हैदराबाद है, तरनौल है, अब वहाँ पे अगर कोई भी ऐसा केस या तो आइडेंटिफाई हो या वहाँ पे अगर किसी की डेथ हो सकता है मीडिया की नज़र से छुप जाए, लेकिन लोकल आबादी की नज़र से नहीं छुप सकता। 1,00,000 की तकरीबन आबादी है, लोगों से हमारा रबता रहता है, कोई ऐसा केस नहीं है, सिवाय उसके जो वो 8 लोग जो एक वो मस्जिद में जिनका डायग्नोज हुआ था, लोकल कोई एक फ़र्द भी नहीं है, कोई एक भी
ڈیتھ نہیں ہوئی، سیالہ میں نہیں، ترنول میں نہیں ہوئی، اسلام آباد کے اندر مجھے کوئی ایسی بات جو ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہماری وہ چیزیں کنٹرول بھی ہیں اور اللہ نے پہلا ایک نقطہ ہے پچھلے دو سال کے اندر جس کے اوپر عمران خان کی اور پی ایم ایل این کی سٹیٹمنٹ ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہی ہے کہ اس کی وجہ سے شرموات اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی دنیا میں ہے. اللہ کا شکر ہے کہ یہ بات اچھی ہے. میں نے تین دفعہ کہا ہے کہ یہ اللہ کا کرم ہے ہماری تمام تئیں کوششوں کے باوجود. آخری میں ایک جملہ عرض کر دوں کہ دیکھیں ہمارے پاس جو وسائل ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، پاکستان کے پاس میں عرض کر رہا ہوں، دنیا کے وہ ممالک جن کے پاس بہترین وسائل موجود ہیں، ریسورسز ہیں، انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں. اگر ریسورسز کم پڑ رہے ہیں تو یہاں تو بہت اللہ کا کرم ہے میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے، لیکن اس کے باوجود ہاتھ رہنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر فیصل آپ روشنی ڈال سکتے ہیں، دنیا سے ہم ہٹ کے ہیں، یہ کوئی ڈفرینٹ ٹائپ ہے، اس میں میوٹیشن ہو گئی ہے. یہ بڑی گہری بات ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ ساری پاپولیشن کو ٹیسٹ شاید نہیں کر، شاید کوئی بھی نہیں کر سکتا، اور بہرحال 200 ملین کا ملک جو ہے وہاں تو یہ ٹوٹل یعنی یونیورسل ٹیسٹنگ شاید ممکن نہ ہو. اچھا اس صورت میں پھر آپ کچھ ہارڈ ڈیٹا دیکھتے ہیں، اور یہ بالکل بات ٹھیک ہے کہ موت ایسی چیز ہے جو آج کل کے دور میں، اور آپ کا میڈیکل سسٹم ہائٹنڈ اس پہ الرٹ پہ ہے، میڈیا ہے، لوگ ہیں، عوام ہے، یہ دو چار نمبر تو آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، 100-200 آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، اٹس امپوسیبل. تو کچھ شرح پرسنٹ کی ایرر ہو سکتی ہے، لیکن اچھا تو یہ تو چیز ہمارے ہمیں بہتر نظر آتی ہے. لیکن میں صرف اتنی بات کہوں گا کہ یہ اللہ کرے کہ یہ ٹرینڈ اسی طرح جاری رہے، بلکہ اس سے بھی نیچے چلا جائے تو کیا ہی بات ہے. تو یہ تو بہت واضح بات ہے. فرق کیوں ہے ہمارا دنیا سے؟ دیکھیے کسی بھی مرض میں نا تین چیزیں عام طور پہ سمجھا جاتا ہے اپیڈیمیولوجی میں یا انفیکشس ڈیزیز میں کہ یہ آپس میں کار فرما ہوتی ہیں. ایک شخص جو ہیومن پاپولیشن ہے جس میں انفیکشن کا ذکر ہو رہا ہے، اس کی کیا امیونٹی ہے، اس کے اندر کی کیا خصوصیات ہیں، جینیٹکس کیسی ہیں، اس کا پریویس ایکسپوجر کیا ہے. سو یہ تو ہو گیا ہوسٹ یعنی شخص انسان. دوسرا ہے جراثیم. جراثیم کی کوئی نوعیت تو نہیں کہیں پلس میں، کیونکہ ایک وائرس اور دوسرا ایک ہی قسم کا وائرس میں بھی تھوڑے تھوڑے چینجز آ سکتے ہیں. تیسری ہوتی ہے انوائرمنٹ، ہماری ماحول، گرمی، سردی، دیگر چیزیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے جواب پتہ ہے اس کا، لیکن کچھ شک ہو رہا ہے، کچھ خیال ہو رہا ہے کہ ممکن ہے، یہ پاسبلٹی ہے کہ ہمارے ہاں شرح اموات باقی دنیا کی نسبت شاید تھوڑی بہتر ہوں. لیکن آئندہ آنے والے دن اور ہفتے اس کی کوئی ریزننگ کی گئی ہے کہ کیوں؟ اس پہ تینوں ڈائریکشنز میں لوگ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کچھ لوگوں نے یہ انوائرمنٹ کے معاملات کو دیکھا ہے، ایک دو ریسنٹ پبلیکیشنز بھی ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ گرم ماحول میں تھوڑا سا ذرا سروائیول اس کا کم ہوتا ہے سرفیسز وغیرہ پہ. جو وائرس ہے اٹ سیلف، اس کو بھی اس کی سیکونسنگ کی گئی ہے دیکھنے کے لیے کہ یار یہ کون سی والی جو سب ٹائپ ہے اس میں کسی کے ساتھ ملتا جلتا ہے کہ نہیں، لیکن اس پہ کوئی ابھی آپ اپنا جسے کہتے ہیں تکیہ نہیں کر سکتے. اور تیسرا جہاں تک دیگر بہت سے کنجیکچرز کیے گئے، مفروضات ہیں کہ جی ہماری پاپولیشن میں یہ ہوا، وہ بی سی جی کے ساتھ لوگ ایسوسیٹ کر رہے ہیں، ملیریا کے ساتھ کر رہے ہیں، یہ اس وقت تھیریز کی حد میں ہیں. یقین کیجئے کہ کوئی بھی سیریس سائنسی شخص اس کو واضح طور پہ اون نہیں کر سکتا، 2+2 کر کے اس کا جواب نہیں دیا جا سکتا، فی الحال نہیں دیا جا سکتا. اچھا ٹیسٹنگ کے بارے میں یہ بڑی ضروری بات ہے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ٹیسٹنگ، ڈاکٹر یاسمین نے بولا 22 کروڑ کی بات ہی ہے، آئیڈیلی کتنے ٹیسٹ پر ڈے ہونے؟ دیکھیں جی کئی ملکوں نے تو 8,000 per million کیے ہیں، 2,000 per million کیے ہیں، 8,000 تک بھی. جو ساؤتھ کوریا نے ہائیسٹ ہے اس کی ابھی. اچھا ہمارے یہاں ٹیسٹنگ کم ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں ایک دو چیزیں بڑی پلس ہوئی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ریسنٹ ٹیسٹ کچھ کافی سارے اویلیبل ہونے شروع ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی شرح بڑھے گی. دوسرا ایک اور، ہماری کتنے ہونے چاہیے پر ڈے؟ ہمارا خیال ہے جی 1,000-2,000 per million والی جو بات ہے وہ اس تک ہمیں پہنچنے کی کوشش، اگر سم تھنگ لائک 50,000 per day ہماری کیپیسٹی ہونی چاہیے. 20-25 پہ بھی آپ ہوں تو آپ کافی بہتر سچویشن میں ہوں گے. لیکن گڈ نیوز یہ ہے کہ ہمیں جتنی کیلکولیشن کی ہے، ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ لیبز بڑھا کے اور ٹیکنیکس کو بہتر کر کے اور لیبز کی ایفیشنسی کو بہتر کر کے آپ 20-25 تک اس مہینے کے آخر تک لے جا سکتے ہیں، اپریل کے آخر تک. اور دوسری بات، ایک اور کانسیپٹ ہے پول ٹیسٹنگ کا، اس میں یہ ہے کہ اگر آپ ایک ایسا گروپ ہے جس میں آپ کو شک ہے کہ یہ اوور آل اس میں پریولنس کم ہوگی، آپ پورے پول کو 10-10 یا 6-6 یا 8-8 کے بیچز میں کرتے ہیں. اچھا اس میں وہ 8 میں 1 یعنی 1 ریئیکشن میں 8 مریض جو ہیں ان کا ریئیکشن پک جاتا ہے. اگر وہ سارے نگیٹو ہیں تو آپ ایک سے فارغ ہو گئے. اب اگر ایک ریئیکشن آتا ہے جس میں ایک پازیٹیو آ گیا، اس کو پھر آپ کو دوبارہ سے کرنا پڑتا ہے، لیکن اوسطاً آپ کو پھر بھی کم ٹیسٹ کر کے زیادہ لوگوں کو آپ کر سکتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس میں انوویشن، ڈاکٹر صاحب نے کہا ہم ایک غریب ملک ہے تو ہمیں تھوڑی انوویشن اور اپنے ان چیزوں کو بھی دیکھنا ہے کہ ہم اپنی سچویشن میں رہتے ہوئے میکسیمائز کیسے کر سکتے ہیں. یہ سارے ٹیسٹ ہمیں منگوانے باہر سے ہیں یا لوکل بھی ہم بنا سکتے ہیں؟ یہ جی پی سی آر اس وقت تو جو ہے یہ جو ڈیٹیکٹ کرتا ہے یہ پی سی آر ٹیسٹ ہے. اس میں چند بڑی بیسک سی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، کچھ ایک مشینری ہے اور کچھ اس کے ریئجنٹس وہ ہیں. ابھی تک تو یہ باہر سے آ رہے ہیں، لیکن میرے خیال ہے اس کے لوکل پروڈکشن کی بھی کیپیبلٹی مجھے نظر، جو میں دیکھ رہا ہوں سچویشن، مجھے لگ رہا ہے کہ یہ
یہاں بھی ممکن ہو جائے گا. ڈاکٹر یاسمین, یہ ڈی جی خان والی سائڈ سے کچھ لوگ آئے تھے سرگودا میں, وہاں سے وہ نیگیٹو ہو کر آئے, یہاں سے سرگودا میں آ کے دوبارہ انہوں نے ٹیسٹ کرایا, ان میں سے کچھ پازیٹیو نکلائے تھے, تو یہ ٹیسٹ کٹس کی کوئی کوالٹی کے اوپر بھی آپ لوگ کوئی غور کر رہے ہیں؟ نہیں, میرا خیال ہے کچھ اس طرح کی سلسلہ ہوا. دیکھیے, ہم نے ان سے فون کر کے کراس چیک کیا کچھ پیشنٹ. نہیں, بالکل صحیح آپ نے فرمایا. جس طرح ملتان کے اندر, جسٹ کوٹ این ایگزامپل, آپ کو تو ملتان کی ہم نے کوارنٹین, اٹ واز این آئیڈیل کوارنٹین, وہاں ہم لوگوں نے 1270 بندہ رکھا. انیشیلی وین وی ٹیسٹڈ دیم 91 کیم آؤٹ پازیٹیو. اب ہم لوگ کچھ بڑے ریئر شورڈ ہوئے کہ دس از اسمالر نمبر اور الحمد للہ 10% سے زیادہ نہیں پازیٹیو. پھر مقصد یہ تھا کہ وہاں ان کو رکھنا پڑا ہمیں 14 دن. اب جب وہ 14 دن رکھنا پڑا تو کنٹرولنگ از ہیوج گروپ آف پیپل کہ آپ مکس نہ کریں. کوئی دیکھیں نا, وہ پرزنرس تو تھے نہیں کہ بھائی آپ ان کو سلاخوں کے پیچھے رکھیں. پیپل وڈ جمپ اوور والز, اور آپ کو پتہ ہے وہاں فٹ بال کے میچز بھی ہوئے, کبڈی بھی کھیلی ان لوگوں نے آپس میں. آپ ایک حد تک لوگوں کو روکتے. اینڈ آف دا ڈے واٹ ہیپنڈ واز کہ جو وہ ملتان والے جو 90 تھے, دے انکریز ٹو 340 جب دوبارہ ٹیسٹ کیا گیا. 90 سے 340 ہو گئے. وجہ یہ تھے کہ دیور مکسنگ ود ایچ ادر. کبڈی کے میچ کی ویڈیو کلپس ہیں ہمارے پاس, آپ کے پاس. اب ہم نے کیا کیا کہ مناسب یہ سمجھا کہ اتنا بڑا گروپ جب آپ اکٹھا کر لیتے ہیں تو پھر ناممکن ہوتا ہے کہ آپ جو بھی میڈ اسمالر گروپس, اور جہاں جہاں کے ڈسٹرکس تھے ان ڈسٹرکس میں ان کو بھجوا دیا گیا کہ آپ ان کو اپنے ڈسٹرکٹ میں. چھوٹے گروپس ہو گئے 200-250 بندے کے لیے, تو وہ یہ تھا کہ بھی چلیں پراپر ڈسٹنسنگ ہو جائے گی. ایگزیکٹلی دا سیم تھنگ ہیپن اگر آپ وہاں گئے. لیکن انسان ہے, پہلے وہ آپ کو بتایا تفتان کے اندر وہ بیٹھے رہے کتنے عرصہ, پھر ان کو ہم لوگوں نے ڈی جی خان کے اندر روکا کتنا عرصہ. بیسکلی واٹ ہیپنس, اب جو ہم لوگوں نے یو لرن دا ہارڈ وے, وہ والی بات ہے آپ مشکل سے سیکھتے ہیں. اب ہم نے کوارنٹینز جو ہیں وہ زیادہ اس طرح کی کر دی ہیں, اسٹرکٹ کر دی ہیں. چھوٹے گروپس کرتے ہیں, انسسٹ کرتے ہیں کہ بھائی آپ کو آئسولیٹ کر کے رکھنا ہے. اور پھر فار ایگزامپل جب سارے, جیسے ابھی پچھلے دنوں آپ کو پتا ہے تبلیغی اجتماع کے لوگ تھے, ان کو جب ہم نے ڈیوائڈ کیا, 850-900 بندہ تھا, ان کو جب ڈیوائڈ کیا تو ایک گروپ تھا وچ واز نیگیٹو, ایک گروپ تھا جو پازیٹیو تھا. تو جو نیگیٹو تھا ان کا دوبارہ ٹیسٹ کر کے دے بی ناؤ سینڈ بیک ٹو دیئر ڈسٹرکٹس, جو پازیٹیو ان کو ہم نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے. سو وی آر ناؤ ٹرائنگ کے وہ کہتے ہیں چھوٹے گروپس میں اٹ ول بی فار مور ایزی ٹو کنٹرول. اس بات کے کتنے امکانات ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں جن کے اندر سمپٹمس نہیں آئیں اور ان کو وائرس متاثر کر کے نکل گیا ہو, وہ جو سیلف امیونٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے وہ کتنی پاپولیشن ہو سکتی ہے؟ ہم نے اس کے اوپر کوئی کام کیا؟ میں نہیں, اس پہ تو کوئی کام نہیں کیا, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں اس پہ کام کرنا پڑے گا لیٹر آن ٹو فائنڈ آؤٹ. جو آئی جی جی اگر کسی میں ڈیولپ ہو گئی ہے, کچھ رینڈم سیمپلنگ کرنی چاہیے. میں نے کہا رینڈم ٹیسٹنگ کر کے ہمیں دیکھنے پڑے گا. لیکن امپورٹنٹ کیا چیز ہے, امپورٹنٹ اس وقت یہ ہے ندیم, وٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ از جو ابھی ساروں نے بات کی ہے, ہاؤ لیتھل از اٹ ان پاکستان. یہ وائرس ہمیں کتنا تنگ اور پریشان. میرا یہ خیال ہے, ون آف مائی اوپینین از, اور میں اس پہ مسلسل آپ کو پتا ہے ناؤ وی ورکنگ اس پہ شعور, ہم بہت زیادہ اس پہ ایڈورٹائز بھی کر رہے ہیں کہ جو 60 سال سے عمر کا زیادہ بندہ ہے اس کے اندر مورٹیلٹی ریٹ زیادہ ہے. کیونکہ جو ہمارے پاس سارے فگرز آئے, جو آپ کے پاس 100 نمبرز ہیں وہ زیادہ تر بڑی عمر کے. جی بالکل. اور ملٹیپل ڈیزیز والے جن کو دوسری بھی بیماریاں لاگتی ہیں, کچھ دل کا عارضہ تھا یا کینسر تھا. تو اب ہم یہ کوشش کر رہے ہیں, اینڈ سویڈن ڈیڈ اٹ ویری سکسیسفلی. انہوں نے 60 سال کے بعد بڑے عمر والوں کو نکلنے نہیں دیا باہر, تو ان کی مورٹیلٹی ریٹ کم ہو گیا. تو ہم بھی اب کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جن کی 60 سال سے زیادہ عمر ہے وہ بالکل گھروں سے باہر نہ نکلے. اگر آپ پابندی کریں تو ان پہ پابندی. سب سے پہلے تو پھر پرائم منسٹر کو بند کرنا پڑے گا. نہیں, مجھے بھی کرنا پڑے گا, کچھ کی مجبوری ہے. لیکن یہ کہ جن جن کو آپ بند کر سکتے ہیں, دیکھیں نا, سم پیپل ہیو ٹو ورک. لیکن جو کام اس وقت نہیں کر رہے اور ان کو کام کرنے کی کوئی مجبوری نہیں ہے, آئی تھنک دے شوڈ آل اسٹے ایٹ ہوم. آئی اشور یو, آپ فیصل سے بات کر لیں, ہی ول آلسو اگری ود اٹ کہ بھائی آپ جو ایک ایج گروپ جو آ رہا ہے نا اس وقت سامنے مورٹیلٹی کے اندر, اس میں 70-80% وہ لوگ ہیں ہوا اباو دی ایج آف 60. تو لیٹس ٹرائی کنٹرولنگ دیٹ سچویشن آلسو. سیلف امیونٹی. سو دو باتیں, ایک تو یہ کہ اس کی انہیرنٹ امیونٹی تو ہمیں نہیں معلوم کہ پاپولیشن میں تھی کہ نہیں, کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ وائرس کسی صورت میں یا کسی ہلکی فارم میں کبھی آیا کہ نہیں. ہو سکتا ہے جنوری کے مہینوں میں یہاں سے پھیلنا شروع ہو گیا. یہ ایسا مفروضہ جس کو بالکل کچھ بھی ڈسمس نہیں کیا جا سکتا. لیکن ہمیں نا ٹیسٹنگ اور امیونٹی اسٹیٹس کو فردر دیکھنے کی بہت ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے, اس کو ایسے لیجیے, جب یہ چیز سامنے آئی اس کے بارے میں زیادہ انفارمیشن نہیں تھی, ایک براڈ بلینکٹ اسٹریٹجی استعمال کی گئی جس کو لوگ لاک ڈاؤن کا یا ریسٹرکشنز کا نام دے رہے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ نہیں تھا کہاں کیا. تو اس وقت
आफियत और खैरियत इसमें थी कि आप फटाफट कहें जी ये करने की ज़रूरत है। और डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया कि बाकी मुल्कों की नस्बत रिलेटिवली हम पाकिस्तान ने जल्दी किया, जिसका मेरे ख्याल से हमें फ़ायदा हुआ, फटाफट किया। अच्छा, लेकिन अब ब्रॉड और अक्रॉस द बोर्ड लॉकडाउन की भी एक हद है, आप एंडलेसली नहीं कर सकते, आपको कहीं ना कहीं सोचना। इसके बाद जो आपकी स्ट्रैटेजी है ना इसको पकड़ने की, वो टारगेटेड होनी पड़ेगी, और उस टारगेटेड में ये टेस्टिंग का सारा शुमार है। हमें ये देखना पड़ेगा कि कहाँ केस है, अगर उनके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करनी होगी, और ये सारा प्लान तजवीज़ हो चुका है, और इसका टेस्ट पायलट जो है ऑलरेडी रन हो चुका है, एक दो दिन तक हम उसके रिजल्ट भी आएंगे। क्या तरीका कहां पायलट टेस्ट रन हमने किया, ये कि जी जो पहले कुछ केस थे उनको लेके उनके कॉन्टैक्ट्स हमने डिस्कवर किए टेक्नोलॉजी के जरिए, और उनको हम टेस्ट कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी इसमें क्या यूज़ किया आपने, मोबाइल नंबर? जी, मोबाइल नंबर के जरिए, और उनकी जियो ट्रेस किया कि कहाँ कहाँ गए, जियो लोकेशन देखी। बच के रहिएगा डॉक्टर साहब, आपको भी चेक कर रहे हो इसके जरिए। अच्छा, और इसका फायदा यह है कि आप बजाय इसके कि सारी पॉपुलेशन, तो जाहिर है वो आपके लिए मुश्किल है, अब आपको एक शख्स मिला, आपने उसके गिरदे हिसार बांधना, आपने देखना है कि उसके कॉन्टैक्ट्स में, करीबी तरीन कॉन्टैक्ट्स में कौन लोग हैं जो पॉजिटिव हो रहे हैं। अच्छा, थोड़े अरसे में ये आपका एक मैप आपको आपके सामने आना शुरू हो जाएगा, और उससे अथॉरिटीज़ को आसानी हो जाएगी कि देखें यहाँ ये वो ये जगह है जहाँ हमें थोड़ी फालतू एहतियात की ज़रूरत है, इसके अंदर रिस्ट्रिक्शंस थोड़ी बढ़ा दें और बाकी जगह को थोड़ा सा चला लें। यानी शुरू में हमने समझें एक ब्रॉड और ब्लंट इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया, और अब हमें वक्त के साथ टारगेटेड अप्रोच को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि इसके बगैर इस पर कंट्रोल करना लॉन्ग टर्म की मैं बात करना मुश्किल होगा। डॉक्टर तारिक साहब, अगर पाबंदियाँ और लॉकडाउन हेल्पफुल था तो हमें किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए नाउ ऑनवर्ड? मलिक साहब, देखें इस वक्त आज जो ऐलान हुआ है हुकूमत की तरफ से कि लॉकडाउन को एक्सटेंड किया गया है 2 हफ्ते के लिए, लेकिन उसके साथ साथ कुछ जो शोबा आए जाते हैं उनको खोलने की बात भी की गई है। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये बड़ा कन्फ्यूजिंग होगा, और इससे जो है एक अफरा तफरी की और एक कन्फ्यूजन की सूरत हाल पैदा होगी। देखिए, उसकी वजह यह है जी कि जो इमीडिएट रिएक्शन आया है, जो हमारी कुछ ताज़े तंजीमें हैं बिलखसूस 3 सूबों से कि जब हम अपनी दुकानें खोलेंगे, ये पहले ही उससे अपना जी उससे पहले कह रहे थे, क्योंकि ये बातें हो रही थी कि जब हुकूमत अगर फैसला करेगी तो खासतौर पर जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है या जो केमिकल या कुछ और जो बिज़नेस है उनसे रिलेटेड इंडस्ट्री को या उनसे रिलेटेड जो दुकानें हैं या कारोबार को खोलने की पहले बातें हो रही थी, और उसी तरह रिएक्शन ताजर तंजीमों का आ रहा था। मैं ये जिक्र सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि हम उस वक्त तक इस चीज़ को मौसर तौर पर, मैंने तारीफ़ की है कि पाकिस्तान में ये टाइमली लॉकडाउन हुआ है जिसका फ़ायदा अल्हम्दुलिल्लाह हमें हुआ है, तो इससे मज़ीद मुफीद बनाने के लिए आपको कंसेंसस पैदा करना पड़ेगा। तसादुम की शक्ल में, टकराव की शक्ल में हम किसी नतीजे पर नहीं पहुँचेंगे, और हम वो बदकिस्मत लोग होंगे कि पूरी दुनिया में अगर ये 150 से ज़ायद ममालिक में आप ये वबा अगर आ चुकी है तो ये कैफियत किसी जगह पे भी नहीं होगी कि सुबह कोई और बात करें, मरकज कोई और बात करें। रिलैक्स की है वो करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए? देखिए मेरे साहब, मैं आज इतफाक से तीनों ही डॉक्टर आपके प्रोग्राम में शरीक हैं, दोनों डॉक्टर हजरात मेरे सीनियर हैं, ये मुझसे इतफाक करेंगे इस बात पे कि दुनिया में जो डाटा इकट्ठा किया गया है और जिस तरह केसेस की जो ये कहेंगे इंतहा पे पहुँचा है, अगर ग्राफ आप देखें कि किस तरह केस ऊपर आए हैं, पाकिस्तान उस जगह पर आज खड़ा है। यानी अभी अगले जो 2 से 3 हफ्ते हैं ये हमारे लिए बहुत अहम है। अगर हम कोशिश करके इस लॉकडाउन को इसी तरह जैसे अभी पीछे हमने मेंटेन किया है मेंटेन रखते, और जिन लोगों तक हमें वसाइल पहुंचाने के बाद हम रोज़ करते हैं कि जनाब जो दिहाड़ीदार हैं, जो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर उजरत कमाते हैं, बच्चों का पेट पालते हैं, उन तक जो हमने कहते हैं जनाब के इमदाद पहुँचानी, वो अगर मौसर तौर पे हम कर सकते हैं तो शायद हम लॉकडाउन को मौसर तौर पे मज़ीद 2 से 3 हफ्ते एक्सटेंड कर लेते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली तमाम तर कोशिशों के बावजूद मुखियर हजरात अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं, हमारी तमाम सिविल सोसाइटी लगी हुई है, पॉलिटिकल लोग लगे हुए हैं, गवर्नमेंट भी उसमें का हिस्सा डाल रही है, लेकिन अभी तक मौसर तौर पर मैं समझता हूँ ये ऑर्गेनाइज तरीके से वो इमदाद हर गली मोहल्ले की सतह तक हम पहुँचा नहीं पा रहे। ये तकलीफ लोगों को मौजूद है। एस्टीमेट्स हैं कि तकरीबन 50% लोग पॉवर्टी लाइन में आ गए इस क्राइसिस की वजह से, बिल्कुल लाइक 11-12 करोड़ को ये सपोर्ट चाहिए, और 11-12 करोड़ को आपका मुल्क परमानेंटली सपोर्ट नहीं दे सकता। नहीं, परमानेंटली तो बिल्कुल भी नहीं दे सकते, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि 2 से 3 हफ्ते तक जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट हम दे सकते हैं, अगर दे सकते हैं और इसी कैफियत को हम बरकरार रखते हैं आइंदा, तो शायद ये 2-3 हफ्ते तक ये हालात मज़ीद बेहतर होने थे। लेकिन अब मैं ये दोबारा अर्ज़ कर रहा हूँ, ये आखिरी मतलब इस मौजू के हवाले से आखिरी बात होगी मेरी, कि कंसेंसस पैदा करने की कोशिश अभी करनी चाहिए, टकराव बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि जनाब तंजीमें कुछ और कह रही हैं, वो हड़ताल कर रहा है, वो ज़बरदस्ती दुकानें खोल रहा है, ये मुश्किल होगा। इंगेज करना चाहिए। डॉक्टर यास्मीन, एक बड़ा चैलेंज आपके सामने आने वाला है और वो ज़्यादा दूर नहीं है, और वो है रमज़ानुल मुबारक का, जिस पे आज कुछ उलमा हज़रात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की,
अगर तुम सऊदी अरब की तरफ हम देखें, क्योंकि मक्का मदीना से हम सारी इंस्पिरेशन लेती है पूरी मुस्लिम उम्मा, तो वहाँ बहुत सख्तियाँ हैं, वहाँ तो कर्फ्यू तक भी रात को लगता है, तो हमें इस पे उनको इंगेज भी करना है और कुछ उनको समझाना भी पड़ेगा। मेरा ख्याल है नदीम साहब, इस वक्त तो बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, एक चैलेंज नहीं है। एक तो आपको पता है कोरोना वायरस का चैलेंज तो है ही है हमारे पास, फिर आपको पता है बेरोज़गारी का जिसके बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एंड वी आर ऑन अ वेरी टाइट रोप कि जी हाउ आर यू गोइंग टू डू दिस बैलेंसिंग एक्ट। तीसरी बात है कि रमज़ान आ रहा है और रमज़ान के अंदर लोग चाहते हैं कि तरावियाँ भी इकट्ठी मिलकर पढ़ें, और उसके बारे में तो मेरा ख्याल है, मैं तो कोई आलिम तो हूँ नहीं, लेकिन ये बात तो ज़रूर है कि मुसलमान हूँ और कुरान भी पढ़ते हैं और हदीस भी पढ़ते हैं। हदीस नबवी है कि कहीं अगर वबा हो तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप वहाँ मत जाइए, और अगर आप में आपके इलाके में है तो आप ही बाहर मत जाइए ताकि आपसे किसी और को ना लगे। तो ये तो उन्होंने बताया हुआ है, तो इस पे तो कोई बहस मुबहसा नहीं है। और फिर सबसे बड़ी ये बात है कि खाना काबा से तो कोई बड़ी जगह नहीं है वाली है जहाँ हम तवाफ़ करते हैं, अगर वहाँ तवाफ़ रुका हुआ है और मस्जिद नबवी जो है उसमें नहीं हो रही, तो फिर हमें भी सोचना चाहिए कि हमने क्या करना है। क्योंकि जो मेरी एज अ डॉक्टर आई बिलीव कि अल्लाह ताला ने इतनी दफ़ा इस बात का बताया कि एक ज़िंदगी कितनी अहम होती है, यानी वो है कि आपने एक जान बचाई गोया सारी इंसानियत बचाई। तो यहाँ तो बहुत सारी जानों का मसला है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। फिर अभी एक और चैलेंज आ रहा है, आपको पता है कि हमारे लोकस इन्फेस्टेशन हो रही है, सिर्फ लोकस नहीं, बस नहीं है, डेंगू का भी फर्स्ट मैं अप्रैल अभी इन्हीं मैं वो दिनों करने अगली आ रहा जा हूँ। रही थी ना, अगली बात करने, डेंगू का काम जो है वो भी शुरू हो गया है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि वी हैव गॉट सो मेनी चैलेंजेस। लेकिन एक बात मैं थोड़ा सा, अगर आप ये इजाज़त विंटर दें, रेन्स के बाद अगर आपने टाइमली स्प्रेज ना किए जी, तो वो ये तो डेंगू और वो दो चीज़ें इकट्ठी नहीं होनी चाहिए। वी हैव टू बी वेरी दिस इज आई कॉन्शियस अबाउट सेड दिस लुक एट द थिंग। चैलेंजेस। तभी तो आज चीफ मिनिस्टर साहब आज आके जो हमारी आज मीटिंग हुई है रावलपिंडी में, उसमें उन्होंने डेंगू पे एम्फोसाइज किया। उसने कहा कोरोना का तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन डू नॉट फॉरगेट कि डेंगू का चैलेंज इसलिए बहुत बड़ा रावलपिंडी में कि पिछले रावलपिंडी साल में पहली दफ़ा पिछले इस्लामाबाद में डेथ हुई है जी बहुत ज़्यादा, जी और वो हम अगर टाइमली सप्रेस करेंगे नहीं तो दोबारा उससे बहुत बड़ी एग्जैक्टली भयानक सूरत यही हाल होगी। बात आज उन्होंने कही कि बहुत ज़रूरी है कि हम ये डेंगू का चैलेंज जो है उसको भी उसी तरह सोच के लें, बिकॉज अदरवाइज देखें ना पिछली दफ़ा डेथ्स इसकी भी कितनी हुई। अब मैं एक बात वैसे कहना चाहूँगी मेरे दोनों बड़े मोहतरम में, और वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट, मैं एक अपनी पर्सनल फीलिंग बता रही हूँ कि देखें दिस वायरस इज़ हेयर, इसके बारे में तो कोई शक नहीं है ना, ये आ गया है। कितना ऐसा रहेगा, हाँ मैं वैसे करूँ जितना अरसा मर्जी रहे, इसने लगना ही लगना है लोगों को। सबको लगना है, हाँ मैं सबको ना भी लगा तो मैं कहती हूँ पूरी पचास, पॉपुलेशन से गुजर के जाएगा, जिसकी हाँ इम्यूनिटी होगी वो उसमें से देखिए निकल जाएगा, देखिए बाकियों को फ्लू के मैं सिम्टम्स होकर आपको बता, ये निकलेगा। लगना लगना हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो सारा झगड़ा लड़ाई कि हम लेवल कर दें फलां कर दें, हम लोगों को वक्त मिल गया, हम लोगों ने सहूलतें इस वक्त लोगों के लिए बना दी हैं, हमारे पास मखसूस अस्पताल तैयार हो गए हैं ये ओवर दिस लिटल टाइम दैट वी हैव हैड। इसके अंदर अब हमारे पास कोई मोर देन 4,000 बेड सिर्फ और सिर्फ हमने इनकी कोरोना के पेशेंट्स के लिए रखे हुए हैं। फिर हमारे पास वेंटिलेटर्स जो हैं कोई तकरीबन 400 मखसूस कर दिए गए सिर्फ इनके लिए, हम फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर, बल्कि 450 के करीब, ये सारी तैयारियां हुई हुई हैं। पंजाब में हम आप कितने वेंटिलेटर्स इन सर्विस हैं इस जी वक्त? इस वक्त हमारे पास 1300 और 72 वो है 75 वेंटिलेटर्स हैं, जिसमें 71 ख़राब हैं, और 1300 और उसके बाद तीन 1300 जो चल रहे, जी जी बिल्कुल चल रहे चल रहे, हैं, बिल्कुल चल रहे हैं। ये मैं और लिख के इसलिए फिगर पाइपलाइन में लाई कितने ऑर्डर कितने जी, किए हुए? अभी तो ये मेरा ख्याल है हमने तो 1000 मांगे थे, लेकिन मैं सिर्फ नदीम आपसे जो बात करना चाह रही हूँ, हम क्या करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि इस वक्त अगर मेरे पास 3,000 मरीज़ हैं तो ये 3,000 मरीज़ 1,000 ठीक हो और 1,000 आ जाए। इकट्ठा 5,000 ना आ जाए, हाँ ये बस चैलेंज है। बस ये मैं चाह रही हूँ कि आए हैं ज़रूर, लेकिन मतलब ये है कि आहिस्ता आहिस्ता करके आए हाँ ताकि मेरी वो हस्तार चौक नहीं हो जाए हमारे, चौक क्योंकि मैं ये गुंजाइश नहीं सिर्फ ही है। कह रही हूँ एक चीज़ की वजाहत डॉक्टर फैसल आप बहुत बेहतर कर सकेंगे। अभी डॉक्टर यास्मीन ने कहा कि ये आया है वायरस, इसने लगना तो है, अब ये सारी पूरी पॉपुलेशन से होके गुजरेगा, जो बड़ा स्ट्रांग इम्यूनिटी वाला है वो शायद इससे ना हो। जैसे घर में एक को फ्लू आ जाए तो वो चार छः बंदों को लगा के फिर घर से बाहर जाता है हफ्ता लगा के, ऐसे ही होगा ही। जी, देखें सिवाय इसके कि एक इफ़ेक्टिव वैक्सीन वक्त पे आ जाए, जिसके बारे में कुछ कहना इस वक्त तकरीबन नामुमकिन है, 6 महीने साल लग जाएं कह नहीं सकते, तो ये तो वाजह है कि ये रेस्पिरेटरी वायरस है। इसका मतलब है कि ये एक शख्स से दूसरे तक फैलता है। इसका मतलब है कि अगले चंद महीनों में, अगले साल दो डेढ़ दो में या इससे भी ज़्यादा
آہستہ آہستہ یہ زیادہ تر پاپولیشن کے تھرو گزرے گا. اب یہ جو ساری ایفرٹس ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کا پھیلاؤ جو ہے اس کی جو اس کا سیلاب جو ہے اس کا جو ریلا ہے اس کو ایسا رکھا جائے جس کو ہم مینج کر سکیں, وہ ہمارے بند نہ توڑ دے. اور ہمارے کیا بند ہیں اس میں؟ ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم ہے, ہمارے بزرگ ہیں, اور ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس کو اس وقت تک تھوڑا سلو چلائیں. اللہ کرے ویکسین دریافت ہو جائے, ہو جائے. سب سے پہلے اس کے ریسیپینٹ کون ہوں گے؟ وہ لوگ جو ایٹ رسک موسٹ ہیں, اولڈر لوگ جن کو کوموربڈ کنڈیشنز ہیں. تو ہم نے یعنی ٹارگیٹ ہمارا یہ ہے. ظاہر ہے یہ بات طے ہے کہ یہ جب, اور یہ ہر ملک میں ہو گیا, ہر ملک میں اس نے اپنا تو پیش بندی اگلے 6 مہینے کی رکھنی چاہیے پاکستان کو, جو بھی آپ کے پلان ہیں. جی, کیونکہ آپ کی پہلے تو ہم انتظار کر رہے ہیں کہ سمر ہیٹ آنی شروع ہو تاکہ یہ جلدی وائرس مرنا شروع ہو جائے, لیکن اس کے بعد پھر ونٹر نے آ جانا. جی, تو فلو وائرس عام طور پر ریپیٹ ہوتے ہیں. بالکل. سو اس لیے یہ جو پیش بندی ہے اس میں, اسی لیے میں ذکر کر رہا تھا کہ ہماری ایبلٹی ہونی چاہیے اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کی, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا ٹیسٹنگ کی, پھر اس کو ٹریک کرنے کی, پھر ٹارگیٹڈ قسم کے کنٹینمنٹ کی, اور ہمارے ہیلتھ کیئر سسٹم کو پریپیئر کرنے کی. ہیلتھ کیئر سسٹم کی پریپریشن میں وینٹیلیٹرز تو اپنی جگہ ہیں, باقی چیزیں ہیں, سٹاف کو ٹرین کرنا, لیکن صرف وینٹیلیٹرز تو بات نہیں بننی. تو یہ ساری ایفرٹس ہونی چاہیے اور کچھ ہو بھی رہی ہیں. ایک چھوٹی سی میں ذکر آپ کے, چونکہ پروگرام اتنا دیکھا جاتا ہے, میں ایک گزارش بطور ہیلتھ کیئر ورکر جو خود بھی کبھی فرنٹ لائن پہ بھی ہوتا ہے, میری گزارش ہے کہ یہ جو N95 ماسک ہے اس کو خدارا اپنے ہیلتھ کیئر ورکرز اور ان میں بھی فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکرز کے لیے اس کو مختص کر دیں, کیونکہ ہم نہیں چاہیں گے کہ ہمارا وہ طبقہ جو بالکل ڈاکٹرز, نرسز, دیگر ٹیکنیکل سٹاف جو بالکل سب سے انفیکٹڈ اور ایروسول کرنے والے مریض ہیں, ان کی کیئر کر رہا ہے, ان کے پاس حفاظتی اقدام نہ ہو. تو اگر ہم چاہے جتنے بھی زیادہ ہو جائے نا N95 ماسک, اگر ہم نے بیجا یا ناجائز استعمال کرنے شروع کر دیے تو پھر اس دن ہمارے سٹاف کو نہیں ملیں گے. تو میری یہ آپ کے ذریعے اپیل ہے کہ ہم سارے سسٹم کو کہیں کہ یہ N95 ماسک باقاعدہ 10 بستہ آپ نے اپیل کی ہے, اور میرے خیال سے زیادہ کوئی مناسب طریقہ نہیں ہو سکتا کہ وہ لوگ جو براہ راست مریض کو دیکھ رہے ہیں وہ اس کے منہ سے جو ڈراپلیٹس نکلتے ہیں وہ اس نرس کو یا ڈاکٹر کو متاثر کر سکتے ہیں. تو سب سے زیادہ اس ڈاکٹر یا نرس کو وہ N95 چاہیے, بالکل, باقی سب کو بعد میں چاہیے. تو پہلے اس کا حق ہے, بعد میں کسی اور. بالکل. عام لوگوں کے لیے وہ سمپل وہ جو گرین سے کلر کا آتا ہے وہ 3 لیئر وہ کافی ہے, وہ کافی ہے, وہ گڈ انف ہے, اس کو اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے. ایک بریک لے لیں جی, بریک سے واپس آتے ہیں تو اور باتوں کی ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ایک جو بہت بڑا ایشو جس کو پرائم منسٹر پہلے دن سے لے کر چل رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں غربت اتنی زیادہ ہے, بہت زیادہ دن لوگوں کو گھروں میں بند رکھا, تو وہ ہو سکتا ہے کہ کرونا سے تو بچ جائیں لیکن غربت کے ہاتھوں اور بھوک کے ہاتھوں ان کو بچانا مشکل ہو جائے گا. آپ ڈاکٹر فیصل اس نظریے سے ان کے اتفاق کرتے ہیں؟ جی, میرے خیال سے میانہ روی اور ایک اسمارٹ اور اڈیپٹیبل اسٹریٹجی جو ہے نا یہ اڈاپٹ کرنی بڑی ضروری ہے, کیونکہ یہ بلینکٹ قسم کا جو لاک ڈاؤن ہے ظاہر ہے کچھ ہفتے تو چل سکتا ہے مگر اس کے بعد یہ ناممکن ہو جائے گا. اور اس کے اراؤنڈ کیا کیسے کام کر رہے ہیں بینگ اے ڈاکٹر؟ جی, جب وہ ریلیکس کر رہے ہیں کہ وہ حجام کھول لے تو حجام کے پاس وہ کنگھی کینچی ہوگی, کسی کو ہاتھ بھی لگائے گا اور وہ 10 بندے اس جگہ پہ جائیں گے. ورک شاپ گاڑی کی کسی کو بھی ضرورت پڑ سکتی ہے, پلمبر ہے, مکینک ہے, تو ان کو کوئی پروٹوکول بھی تو ہوں گے نا, کیا اڈاپٹ کرنے ان ساری چیزوں کے لیے؟ جی, پروٹوکولز, ایس او پیز اور ان کی انفورسمنٹ اور اس کی اونرشپ. دیکھیں یہ صرف آرڈر دے کے نہیں ہو سکتی, اس میں انگیجمنٹ انہوں نے بولا, اونرشپ, لوگوں کے ساتھ آپ کو ان کو سمجھانا بھی پڑے گا, ان کو کنونس بھی کرنا پڑے گا کہ اس میں منطق کیا ہے. نمبر آف پیپل ان اے روم, ڈسٹینس, ادھر بھی آپ کو سینیٹائزیشن ہاتھ کی, اور اگر کہیں ناگزیر ہے قریبی کانٹیکٹ تو اس کو بار بار شاپ میں وہ جو کنگھی کینچی لگائے گا 10 بندوں کو وہ محفوظ ہوگا سب کے؟ میرا خیال ہے جی اس کو بھی اگر ایک طریقہ کار سے پروٹوکول سے فالو کیا جائے تو اس کو بھی تھوڑا محفوظ تر بنایا جا سکتا ہے. دیکھیں زیرو رسک تو ناممکن ہے میں سمجھتا ہوں کسی بھی صورت میں, لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا چیز فیزیبل ہے اور اس میں کتنی احتیاط ڈالی جا سکتی ہے. اس کو ڈیٹول وول سے اگر ڈالے تو وہ ہو جائے گا, اس کو ڈس انفیکٹ کے نہیں ہوگا؟ میرے خیال جی ڈس انفیکٹ کے تو طریقے وہ کچھ لکھے بھی ہیں, اور میرے خیال اس کو فردر بھی ڈسیمینیٹ کرنے کی ضرورت ہے تاجر تنظیموں کے ذریعے یا جس سیکٹر کو بھی آپ کھولنا چاہتے ہیں, ان کی اونرشپ اور ان کی جسے کہتے ہیں نا بائی ان اس میں لازمی ہے, اور ان کو ایجوکیٹ کرنا اور ان کو ایس او پی دینا اور پھر تھوڑا سا ذمہ داری ان پہ بھی ڈالنی ہے. دیکھیے ہر جگہ کوئی حکومت جا کے ایک چیز مجھے کوئی کلیئر بتا دیں, یہ جو آج کل
गेट लगा रहे हैं, वॉक थ्रू गेट जिसके ऊपर वो क्लोरीन वाला पानी गिराते हैं, इज़ इट अ गुड वे और अ बैड वे? मैं नहीं समझता कि ये कोई खास साइंटिफिक कितना ज़्यादा वे है। ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ ये महफूज है ऊपर क्लोरीन वाटर इस तरह ऊपर, पता नहीं उसमें क्या है जी, वो तो उसकी उसकी महफूज होना या ना होना तो उसकी कॉन्टेंट देख के ही पता चलेगा। लेकिन ज़्यादा ज़रूरी मैं आपको बात बताऊँ, अभी भी हमारी जो पर्सनल हाइजीन है, जो कॉफ एटिकेट है, जो थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना है, लेकिन आपको उस पर काम करना चाहिए। मुझे उस पर कंसर्न ये है कि वो मार्केटों में लगने शुरू हो गए, ऊपर से क्लोरीन वाटर डाले, पता चले कोरोना से तो बच गए हैं लेकिन कोई और जहर खुरानी कर लिया आपने। इस पे आज थोड़ी बात हुई, इस पे आज थोड़ी बात हुई भी है, कुछ फर्दर होगी होगी इसके ऊपर। आप क्या सजेस्ट करते हैं, दुकानें खोलनी है, वर्कशॉप खोलनी है, तो उनको क्या किया जाए? मास्क पहनाए जाए, ग्लव्स पहनाए जाए, उनको भी लिबास उसने भी तो पहनना है जो बंदा वहाँ काम कर रहा है। देखें, अभी जो हमने जो बात की थी, मैं सिर्फ एक बात जरा पीछे से लूंगा कि हमने ये कहा कि अल्लाह ताला का बहुत करम है, नंबर ऑफ़ केसेस भी कम है और ख़ास तौर पे नंबर ऑफ़ डेथ्स भी बहुत कम है। लेकिन ये कहने के बाद लोगों को ये मैसेज नहीं लेना चाहिए हमारी गुफ्तगू से जनाब के इस चीज़ को लाइट लें, बिल्कुल, कि ये कोरोना को लाइट चीज़ है। ज़्यादा संजीदा बात डॉक्टर साहब ने किया है कि पूरी वादी में जाना है, इसलिए अपने आप को बचा के रखें, बिल्कुल बचा के रखें। और जितना जो ये प्रोटोकॉल जिनकी हम बात कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग है, अपने आप को अलग रखना है, हाथ धोने हैं और मास्क पहनने हैं, सैनिटाइज़र यूज़ करने हैं, ये सारे हमने फॉलो करने हैं, हमने इसको लाइट नहीं लेना। दूसरी जो बात आपने की है जी, देखिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा मालिक साहब, मेरा ज़ाती ख्याल ये है, चूँकि हम ज़ाहिर है पब्लिक के बंदे हैं, रोज़ाना की बुनियादों के ऊपर लोगों से हमारे टेलीफोनिक रबते होते हैं, अब तो ज़ाहिर घर से काम कर रहे हैं वरना फील्ड में हर वक्त होते हैं, गली मोहल्ले की सियासत है हमारी। देखिए इस्लामाबाद के अंदर शायद अगर एक दो मार्केटों का नाम ले लूँ, सुपर मार्केट, जिना सुपर मार्केट, एफ टाइन मार्केट जहाँ बैठे हैं, यहाँ पर तो शायद दुकानदार आपके इतने इतने समझदार होंगे ये कर लें, लेकिन कौटा चले जाएँ, मरी चले जाएँ, तुरबत चले जाएँ, उधर लोधरा चले जाएँ, लिया चले जाएँ, उधर जनाब आप नुशरा फरोज चले जाएँ, उधर आप कोई और नाम ले लें, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का डीसी का रोल बड़ा तगड़ा होगा इस मामले में। जो दूर दराज के तहसीलें और उनके आगे जो दुकानें हैं और वहाँ पर प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि ये चैलेंज है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये बड़ा कोई आसान बात है, लेकिन उनको किस तरह आप लेके चलते हैं। और फिर ये कि मैं इसको इतनी जल्दी मतलब अल्लाह करे कि ये एक महीने के अंदर ख़त्म हो जाए, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे इस वबा को इतनी जल्दी ख़त्म होना नहीं देख रहा। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर 1.5-2 महीना आपको रिस्ट्रिक्शन पार्शली चलानी हो तो तब भी कौम जिंदा नहीं रह सकेगी, आपको कुछ तो उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं करना पड़ेगा। मेरे साहब मैं तो पहले ये बात जो आपने फिगर दी है, मैं बिल्कुल इसे इतफाक़ करता हूँ कि मैं तो 40% में हर प्रोग्राम में फिगर दे रहा हूँ, आपके प्रोग्राम में देखे गया था कि हमारी 40% लोग आज ऐसे हैं कि जिन्हें ज़रूरत है इस बात की कि अगर आपने लॉकडाउन की कैफियत में रखेंगे तो उनकी इमदाद आपको करनी पड़ेगी, जो कि प्रैक्टिकली विच इज़ नॉट पॉसिबल। अभी आपने खुद 10 करोड़ से ज़्यादा की फिगर दी है कि ऐसे लोग हमारे जितने हमारे मुआशियात हैं वो ये बात कह रहे हैं कि इससे ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिन्हें मदद की ज़रूरत है। अब वो कैसे हो सकती है? अगर प्रैक्टिकली नहीं हो सकती तो फिर आपको थोड़ी अगर उनको रसाई देनी पड़ेगी उन रिसोर्सेज तक जिनके जरिए अपना वो पेट पाल सकते हैं, और उनको फिर आपने कितना महफूज एनवायरनमेंट देना है। सवाल पूछने में डॉक्टर यास्मीन की तरफ जाऊंगा, आमतौर पर ऐसे बड़े कोई भी वबा हो तो उसमें सरकार की तरफ और जो हमारी तंजीमें हैं उनकी तरफ हम देखते हैं, एनजीओज हैं मदद करती हैं लोगों की, उनकी तरफ देखते हैं, लेकिन क्या पोलिटिकल पार्टीज खुद से भी इनिशिएटिव ले सकती हैं? आपकी पावर बेस है ना पंजाब, आपका तगड़ा मैच पहले भी हुआ है पीटीआई और नून लीग का भी होना है, क्या आप लोग डिस्ट्रिक्ट में जाके अपने लोगों के जरिए लोगों की मदद कर सकते हैं? कहीं लिबास दें, कहीं वो पहनने के लिए मास्क दें, कहीं ग्लव्स दें, कहीं लोगों को समझाएं, कायल करें, ये मेरा जिंदा रहेंगे तो वोट भी पहले तो लोगों को ये समझाएं कि सेहतमंद कैसे रहें। गुजारिश करूँ कि ज़्यादा आपके प्रोग्राम में टेक्निकल बात ही हुई है, कोई पॉलिटिकल बात नहीं हुई, मैं कोई अभी भी पॉइंट स्कोरिंग नहीं करूँगा, लेकिन आपने देखा है कि हमने अपने तौर पर हमारी पार्टी ने शहबाज शरीफ साहब की हिदायत पर चीज़ें यहाँ पर हम डॉक्टर्स को हमने किट्स दी, गिलगित-बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, इस्लामाबाद में मैंने अपनी कई ऐसी मेरे तस्वीरें शेयर हुई हैं, सोशल मीडिया पे भेजी हैं, मीडिया पे आई हैं, पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ हम कर सकते थे। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट नहीं दे सकती, जो कि जायज़ बात आप कर रहे हैं, तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ इंफरादी तौर पर शायद इतना बड़ा काम ना कर सकें, अपनी कैपेसिटी के मुताबिक ज़रूर कर रही हैं। मैं यहाँ पर ये बात इसलिए इतने खुल के कर रहा हूँ कि नेक नीति के साथ हुकूमत का फ़र्ज़ ये है कि वो तमाम लोगों को एंगेज करे। अब मिसाल के तौर पे हमने लोकल बॉडीज़ की बात की थी, आप ही के प्रोग्राम में मैंने की थी, आपने कहा था कि ये हुकूमत शायद उनको बहाल नहीं करेगी। देखें उन लोगों की एक्सेस, एक काउंसलर की एक्सेस, मैं दोबारा ये बात कह रहा हूँ और मेरे से बिल्कुल डॉक्टर साहब खुद चूँकि एक पॉलिटिशियन है इत्तफाक करेंगी कि उसकी गली मोहल्ले की सतह तक एक्सेस है। आप इस्तेमाल करें उन उन इदारों को जो आपको हेल्प कर सकते हैं, गवर्नमेंट को एक्सेस दे सकते हैं, आपको रास्ता बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं गली मोहल्ले के, ख़ास तौर पर जो ज़्यादा से ज़्यादा हकदार लोग हैं, इन टूल्स को आप इस्तेमाल करें। कम से कम वो लोग जो खुदा न खास्ता जिनके घरों में जो नौबत है फाकों तक पहुंच गई है, उन तक तो कुछ ना कुछ पहुंचे। डॉक्टर साहब,
दो बातें, एक तो मैं ये बात करना चाहूँगी कि देखें, वी मस्ट नॉट फॉरगेट कि कुछ इंडस्ट्री खुली रही है जिसके अंदर आपकी फूड की इंडस्ट्री, आपकी फार्मास्यूटिकल की इंडस्ट्री खुली रही है, फैक्ट्रियों में भी काम होता रहा है, मंडियों में भी काम होता रहा है। तो मसला ये था कि मुकम्मल तौर पे तो सब कुछ नहीं बनता ना, कुछ एरियाज़ खुले हुए थे। हम लोगों ने बाकायदा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर वालों ने एक बाकायदा SOPs बनाए हैं फॉर द इंडस्ट्री, क्योंकि पहले ही जो हमारे ख्याल था कि जो ग्रे एरियाज़ और कंस्ट्रक्शन के एरियाज़ है, जो मज़दूरों का काम है, वो शुरू हो जाए तो उससे कम से कम ये होगा कि उनके सर्टन SOPs, वो सारे SOPs हमने बनाए हैं विच विल बी शेयरिंग। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप देखें, मैं एक छोटी सी बात बता, अगर एक मैडम वर्कशॉप खोल देती है लाहौर में सुबह, तो उस वर्कशॉप का जो वर्कर है और जो उसका एक मेन मैकेनिक है, दो बंदे हैं उस वर्कशॉप के अंदर, उनको बस ऐसे ही बैठा रहना चाहिए या उनको भी कुछ हिफाजती तदाबीर? बिल्कुल यही बताने लगे ना, उनके लिए बाकायदा हमने हिफाजती तदाबीरों की वो बनाई हुई है कि आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा बिफोर यू ओपन योर शॉप एंड लुक आफ्टर इट। लेकिन एक थोड़ी सी बात जो अभी कह रहे हैं ना कि हुकूमत क्या करे, अभी देखें हुकूमत ने क्या किया, 17 लाख का इन्होंने कहा हमें पंजाब में ये लोगों को हेल्प करेंगे। चीफ मिनिस्टर साहब ने 10 अरब रुपए का पैकेज दिया पंजाब के लिए, हमने मिला के 25 लाख लोगों को कहा, 25 लाख फैमिलीज को। टाइम एंड हो गया। अच्छा, अब बात सुनिए, 25 लाख को 5 आप से मल्टीप्लाई, 1.25 करोड़ बंदा बनता है, बाकी हम जो 9 करोड़ 10 करोड़ बंदा है उसमें से अभी भी 3 करोड़ बंदे ऐसे हैं जो गुर्बत की सतह से नीचे रहते हैं, इनको मदद की जरूरत है और सबको मिलकर उनकी मदद। आप बताइए कि हुकूमत भी करे, सब करे, सब करे, फिर भी आप नहीं कर सकते, यू विल हैव टू डू इट, जिस तरह फैसल ने कहा है ना। एक लाइन में डॉक्टर फैसल कुछ कह सकते हैं? ये मिलजुल के होगा जी, ये जॉइंट एफर्ट के साथ होगा और इसमें सारे सेक्टर्स को शामिल होना पड़ेगा, ये अकेले से नहीं हो सकता। और मैं इस टॉपिक पे मैं शुक्रिया उन लोगों का करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे लिए जो डेटा और जो एनालिटिक्स और ये सारी चीज़ें ये इकट्ठी की ताकि मैं आपको बताने के काबिल हूँ। डिजिटल पाकिस्तान है, सैयद तजम्मुल हुसैन, लव फॉर डॉक्टर फैसल सुल्तान, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी और डॉक्टर यास्मीन राशिद, आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।